सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी कोई भी इमेज फाइल को कैसे रिकलर करते हैं। इस वीडियो में मैं सीखने वाले हैं, तो ये दोस्तों आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो आप इसको इजी तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कीजिए, आप अपने पीसी में हो या एंड्रॉयड डिवाइस में हो या आईओएस में हो, कहीं पर भी जस्ट आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद गूगल में सर्च कीजिए दोस्तों लूना पिक, इस तरीके से सर्च कीजिए और इंटर हिट कीजिए, और इसकी जो फर्स्ट लिंक रहती है दोस्तों वो ओपन कीजिए। ये एक बेस्ट ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर टूल है दोस्तों। वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी इमेज जो है अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में अपलोड का बटन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज फाइल, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी इमेज है वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि ये वाली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी इमेज जो है दोस्तों अपलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इमेज है हमारी अपलोड हो गई है। उसके बाद दोस्तों अभी हम इसका कलर जो है चेंज करने वाले हैं। कलर चेंजिंग के अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, फिल्टर ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, आर्ट जो है दोस्तों ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, बहुत सारे आपको इनबिल्ट फीचर इस टूल में मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको कलर को कैसे चेंज करते हैं दोस्तों वो बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना है एडजस्ट टैब में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिप्लेस कलर, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं न्यू कलर, उसमें जाइए, जो भी कलर आपको ऐड करना है वो कलर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद दोस्तों कलर सेलेक्ट करने के बाद आपकी इमेज पे आइए, जस्ट आप अपनी इमेज पे जो है डबल क्लिक कीजिए इस तरीके से, और उसके बाद दोस्तों आपकी जो इमेज का कलर है चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर ये सही से नहीं हो रहा है तो जस्ट यहाँ पर आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद दोस्तों अप्लाई कलर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो इमेज का जो कलर है टोटली चेंज हो गया है। तो अगर आपकी इमेज का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो आप इसको जो है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी जो इफेक्ट रहता है आप उसको सही से एडजस्ट कीजिए, 100% आपकी जो इमेज का जो कलर है दोस्तों चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज नहीं हुआ है, तो ये इमेज पर डिपेंड करेगा ये दोस्तों उसको कैसे आपको एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली कोई भी इमेज फाइल के जो कलर को जो है दोस्तों रिकलर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आने वाले ट्यूटोरियल में आप ये जो टूल का दोस्तों डिटेल में आपको रिव्यू मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो के रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।